इंजन में कोई भी फेडनेस नहीं दिखी है मेरे को, 1 ईयर हो चुका है दोस्तों राइड करते हुए। अब सामने यामा जा रहा है, वो देखो ना इसका सीटिंग पोस्चर देखो एक आप, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव सीटिंग पोस्चर है इसका। स्कूबीडूज ब्रेकिंग की दोस्तों खामी ये है कि जैसे अगर रियर ब्रेक पिछली ब्रेक में पुश करता हूँ। क्या आपको 2025 में इस बाइक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको लेनी चाहिए बाइक? फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे अच्छे होंगे, अपनी अपनी बाइक को राइड कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं करूँगा अपना जिक्सर SF250 का राइड रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, 1 साल हो चुका है मेरे को बाइक लिए हुए और इसको राइड करते हुए, तो अब इस वक्त ये बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है वो सब आप इस वीडियो में देखोगे। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। एक एक आस्पेक्ट कवर करूँगा इसमें, इसके क्लच का, इसके ब्रेकिंग का, इसकी राइड का, सारा कुछ, मतलब जैसे कहते हैं पिकअप पुकअप, अपना मोड पर कैसा अपना एक्सपीरियंस देती है ये बाइक जिक्सर SF250 सुजुकी की, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी देरी के करते हैं इसको स्टार्ट और डालते हैं अपना हेलमेट और फिर मैं दिखाता हूं आपको। और हाँ, क्या आपको 2025 में इस बाइक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको लेनी चाहिए ये बाइक, वो सारा आपको इस वीडियो में डिस्कवर हो जाएगा। सारा कुछ बता दूंगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखूँगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस सुजुकी SF250 के बारे में। अब मैं इसको आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड भी दे देता हूँ ताकि आप देख सको इसकी कंडीशन कैसी है इस वक्त बाइक की। बाइक अपनी वॉश नहीं हुई हुई, वॉश कुछ दिन पहले करवाई थी, उसके बाद अपना कवर कर दी थी, राइड नहीं की उसके बाद। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा डस्टी सी है बाइक इस वक्त, लुक इसकी डस्टी सी आ रही है, आप एडजस्ट कर लेना, क्लीन नहीं है इतनी बाइक, बट फिर भी आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से कैसी हमारी बाइक इस वक्त नज़र आ रही है। बाकी एक बात और दोस्तों, काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा बिजी था अपना म्यूज़िक में, तो इसलिए एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। नाउ लेट्स राइड इनटू द वीडियो। बहुत ही प्यारे यहाँ पर मेरे को पप्पीज़ नज़र आ गए, देखो इसकी मदर पप्पीज़ की, और ये हमारे पप्पीज़। जो जो डॉग लवर्स हैं वो कमेंट कर दें नीचे, जिन जिनको डॉग्स अच्छे लगते हैं, कितने ही कितने क्यूट पप्पीज़ हैं। आ नहीं रहे मेरे ख्याल से, अलाउ नहीं कर रही मदर उसकी। स्कूबीडूज ये रही अपनी जिक्सर SF250, देख सकते हो। थोड़ा सा कपड़ा तो मारा था, थोड़ी डस्टी डस्टी सी फिर भी है, पूरे अच्छे तरह मतलब ढंग से नहीं मारा मैंने, अब देख सकते हो इसको ठीक है। अब कुछ ऐसी हमारी बाइक हमें नज़र आ रही है। ये था दोस्तों इसका बैकग्राउंड, अब चलो डालते हैं गियर और देते हैं रेस। चलो फिर तो चलो दोस्तों, मैं अब बताता हूँ आपको इसका राइड रिव्यू आफ्टर राइडिंग जिक्सर SF250 मोटो जीपी एडिशन फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड फ्यू मंथ्स। ठीक है जी, देखो अभी जो इसका एक्सपीरियंस है ना मेरे को इसमें कोई हार्शनेस या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं फील हो रहा बाइक में। बाइक बहुत ही स्मूथ चल रही है, बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस दे रही है मेरे को राइड करने का, रेव करने का, स्मूथ इसकी रेव है इस वक्त। ठीक है दोस्तों, मतलब क्लच भी इसका आराम से स्मूथली डल रहा है, गियर शिफ्टिंग आराम से डल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें गियर शिफ्टिंग का मैंने कुछ इशू डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बाइक के रिगार्डिंग। तो दोस्तों बात रही इसकी गियर शिफ्टिंग की, बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्ट हो रहे हैं इसके। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं आपको इसको मोड पे भी काट के दिखाऊंगा,
कुछ रेस वगैरह भी दूंगा फुल ऑन, राइड करके दिखाऊंगा इसको, खींच के दिखाऊंगा पूरी कैसे हमारी ये बाइक 100 राइड कर रही है। चलो देखो अब, ओह नज़ारा, पुल दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है ऐसे न्यू बाइक अभी शोरूम से लगा के आया हूँ। तो मतलब जिक्सर की परफॉर्मेंस A1 परफॉर्मेंस कहूँगा, A1 परफॉर्मेंस अभी तक आफ्टर राइडिंग 1 ईयर दिस बाइक इज डिलीवरिंग मी A1 परफॉर्मेंस सो फार नाउ। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल। आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो बेझिझक 2025 में, इस बाइक को ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड बाइक है ये। वो देख सकते हो सामने अपनी यामा, अब सामने यामा जा रहा है वो देखो ना, इसका राइडिंग, इसका जो वो देखो आप क्या कहते हैं, इसका सीटिंग पोस्चर देखो एक आप, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर है इसका, ठीक है। अभी जिक्सर का देखो आप कितना कंफर्टेबली मैं राइड कर रहा हूँ, अपना नीचे नहीं होना पड़ रहा ज़्यादा। एक ये तो बड़ी ही ज़्यादा एडवांटेज मैं कहूँगा इस बाइक की आपको। इस वक्त करंटली इंडिया में मोस्ट सोल्ड आउट बाइक है यामा R15, वो जो पीछे आपने देखी। जिक्सर एक अंडररेटेड बाइक है, पर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको जिक्सर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको इस वीडियो में पूरा पूरा देखने को मिल जाएगा। छठे गियर पे हूँ, फुल मज़ा आ रहा है दौड़ा के बाइक को, और ये फुल दौड़ रही है जी। अभी मोड़ पर दिखाता हूँ कैसे कट करती है, देखो ओह बिल्कुल लटा दिया मैंने मोड़ पर, देखो कटिंग करके ओह नज़ारा, पूरी इसकी कटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त जोरदार। अभी देखो मोड़ पे, ये देखो राह, इसकी कटिंग है मोड़ पे। A1 बाइक है जी, A1 मतलब इंजन में कोई भी फेडनेस नहीं दिखी है मेरे को। 1 ईयर हो चुका है दोस्तों राइड करते हुए, लॉन्ग राइड पे भी लेके गया हूँ, पिछली वीडियोस में आपको दिख जाएगा सारा इसका लॉन्ग राइड टूर, जिक्सर SF250 का लॉन्ग राइड टूर दिख जाएगा आपको। मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड टूर था इस पे, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो कैसी इसकी परफॉर्मेंस हाईवे पे रही, वो भी आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा। बाकी देख सकते हो आप शानदार नज़ारा जिक्सर को राइड करते हुए आ रहा है मेरे को। 1 ईयर तकरीबन हो चुके हैं, तकरीबन क्या कहूँगा, ज़्यादा ही हो गए उससे, तकरीबन तो मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया। अभी मैं आपको इसको खींच के दिखाता हूँ, एक लंबी सी रोड पर इसको खींच के दिखाऊँगा। अच्छा उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसकी हैंडलिंग की। हैंडलिंग दोस्तों एक नंबर है, सड़क पर जम के चलती है ये बाइक, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं भी कुछ मतलब मिस आउट कर रही है, अपना जुड़ के एक सड़क के साथ चिपक कर चलती है ये बाइक। और ब्रेकिंग में मेरे को एक खामी लगी है, वो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, बताऊँगा आपको दोस्तों क्या ब्रेकिंग की खामी है, वो मैंने पहले भी डिस्कस करी थी और मेरे को कमेंट्स में भी आते हैं, जिन जिनके पास जिक्सर है वो अपना ब्रेकिंग का डिस्कस करते हैं मेरे साथ। ब्रेकिंग की दोस्तों खामी ये है कि जैसे अगर रियर ब्रेक पिछली ब्रेक में पुश करता हूँ तो वो मिस आउट से कर जाती है, जैसे फोर्सफुली अगर इसे प्रेस करता हूँ ना अपना नीचे वाली ब्रेक, पिछली ब्रेक में फोर्सफुली प्रेस करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ब्रेक छूट चुकी है, हालांकि मैंने तो दबाई होती है ब्रेक पर, ऐसे वो लूज सी हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि ब्रेक दबी हुई है नहीं दबी हुई, और वो स्किड सा भी करता है पिछला टायर। तो मेरे को ब्रेकिंग में कुछ ऐसा सा एहसास हुआ, फील हुआ वो, ठीक है। अब बात करूं दोस्तों इसके क्लच की, क्लच एक नंबर है, बिल्कुल स्मूथ आपको गियर शिफ्टिंग में हेल्प करता है, एकदम से डलता है क्लच, मतलब एकदम से क्लच प्रेस करने पर आपका गियर एकदम से डल जाता है, कोई इशू नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों बात रही इसके कंफर्ट की, मैंने आपको बताया ना इसका यामा के साथ, यामा आपने पीछे देखा मेरा रोड पे उसके साथ, मैंने एक मतलब आपको एक प्रैक्टिकल सा रिव्यू सा दे दिया एक, कि यामा पे आप बिल्कुल नीचे हो जाते हो, आपके हाथ यूँ रहते हैं थोड़े, और हालाँकि जिक्सर में आप लंबी राइड पर इस गाड़ी को लेके जा सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, कम्फर्टेबल राइड रहेगी आपकी जब तक आप चला रहे हो, तब तक कंफर्टेबल रहेगी राइड आपकी, आपके ये कलाइयाँ भी दुखने वाली नहीं है। हालांकि अगर आप यामा R15 को राइड करते हो, लॉन्ग राइड पे लेके जाते हो, तो उसमें एक दर्द सा महसूस करोगे आप लंबी राइड पे। हाँ मैं मानता हूँ उसकी एक एग्रेसिवनेस है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, पर वो मात खाती है अपना इसके पावर में।
रोक दिया मैंने बाइक। तो ये थी दोस्तों अपनी वीडियो सिक्सर की राइड रिव्यू, देख लिया आपने, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को राइड करते हुए, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक पे, कहीं भी मेरे को इसने डिससेटिस्फाई नहीं किया, पूरा सेटिस्फेक्शन दिया इस बाइक ने। तो चलो फिर दोस्तों वीडियो को करता हूँ ये एंड, और बाकी जिक्सर की आपको बहुत सारी और वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी इसी चैनल पर, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी आने वाले हैं इस मेरे चैनल पर, वो भी आपको इसी चैनल पर दिखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, करता हूँ इसको ऑन और पहुँचता हूँ सीधा घर। चलो जी टाटा बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।